जरूरत आने पर इंडिया में बहुत इनोवेशन होती है, लेकिन जरूरत न आने पर लोग कहते हैं अरे चल रहा है ना यार, चलने दो। और वही चीज हुई है कैंडी के साथ भी। लास्ट ईयर इंडिया ने लगभग 31 करोड़ किलो कैंडी कंज्यूम किया है, जो प्रोसेस शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स और प्रेजर्वेटिव से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन बड़े कंपनी कहते हैं अरे तो क्या हुआ यार, चल रहा है ना यार, चलने दो। पर उस नंबर के बारे में एक बार फिर से सोचिए, 31 करोड़ किलो चीनी वाली कैंडी और चॉकलेट्स, उसके साथ तो डायबिटीज फ्री फ्री फ्री। पर चीनी बिना कैंडी इम्पॉसिबल। गेस व्हाट, हमने किया इसे पॉसिबल निबलर्स के साथ। मैं हूँ संध्या शेषाद्री। और मैं हूँ आशनी गजेरिया, और हम हैं निबलर्स के co-founders। हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एक रेसिपी क्रैक की और ऐसी रेसिपी बनाई जिसमें है नो आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर, नो प्रेजर्वेटिव्स, वाओ मार्शल आर्ट्स, और शुगर, बाय बाय शुगर। बाय, मैं तो बाय, आई एम गोइंग। हम तो कब से कह रहे हैं, मैं जा रही हूँ। निबलर्स के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है रियल फ्रूट गामीज, चॉकलेट पीनट बटर कप्स और लॉलीपॉप्स। हम हमारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस और अनेक ऑफलाइन रिटेल में बेचते हैं। तो शार्क्स, मन को मत मारो, करो स्माइल, कहो चीज और दिल खोल के बोलो वन मोर कैंडी प्लीज। ऑन दैट नोट शार्क्स, हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 3% इक्विटी, तो चीनी के बिना मुंह मीठा हो जाए। पहला क्वेश्चन, आपको विनीता क्यों नहीं चाहिए? हमको प्रोसेस शुगर नहीं चाहिए, विनीता ऑफ कोर्स चाहिए। विनीता चाहिए, यस प्लीज ले जाओ। काफी ऑफेंसिव टैगलाइन है बाय बाय शुगर, बट आई विल ट्राई टू नॉट टेक इट पर्सनली। तो बताइए आपकी स्टोरी क्या है, हाउ डू यू गाइस नो ईच अदर? हम दोनों एडवर्टाइजिंग में काम करते थे, संध्या मेरी बॉस थी और मैं उनकी जूनियर। अभी बॉस कौन है? अभी इक्वल है। संध्या को ओवर अ डेकेड एक्सपीरियंस है मैरिको, गार्नियर और बड़े ब्रांड्स पे काम करते हुए। एज व्हाट? अकाउंट मैनेजमेंट इन एडवर्टाइजिंग। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली संध्या के साथ माँ की यूनिलीवर ब्रांड्स जैसे लिप्टन ग्रीन टी और क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम पे काम करने के लिए। सो दैट्स हाउ वी मेट। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, शी वाज फिगरिंग आउट क्या करना है, तो बात करते करते ऐसे लगा कि कैंडी जो है इंडिया में जो मिलती है वो शुगर से तो भरी भरी पड़ी हुई है, एंड ऑल्सो उसके साथ बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी आने लगे, जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कलर। आजकल के बच्चों को बहुत सारे एलर्जीज होने लगे हैं, तो बेटर फॉर यू कैंडी नहीं मिल रही थी। वो डिमांड के लिए कुछ सप्लाई नहीं था, लाइक कोई प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा था, हमको क्लियर व्हाइट स्पेस दिखा उसमें। इतना बड़ा मार्केट है कैंडी का इंडिया में, 20,000 करोड़। वाओ, या बहुत बड़ा है। मीनवाइल आप सैंपल्स दिखाओगे? यस, बच्चे को कैंडी चाहिए। अजर भाई, अब तुम्हारी रैगिंग शुरू हुई है। क्या क्या है? सो वी हैव लॉलीपॉप्स, चॉकलेट पीनट बटर कप्स एंड रियल फ्रूट गमीज। मुंह मीठा कर लो। आप तेज कान पे ना, ऐसा लग रहा है मतलब मारने वाले हो। बड़ा आई लव द एनर्जी। ये हमारे एब्सोल्युटली पाउचेस हैं। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। आई टेक मल्टीपल। मुझे तो लॉलीपॉप का टेस्ट ही नहीं याद कब लास्ट खाई। थैंक यू, थैंक यू। मतलब टेस्ट नहीं समझ, मैं समझ गया, मेरे को ठीक लगी, अच्छी लगी। ऑक्सीजन कैंडी कैसे? मुझे तो टेस्ट ही नहीं समझ आ रहा। आपको लॉलीपॉप में टेस्ट चाहिए? अभी तक मैंने खाया नहीं। नहीं था आपको? आई है? नहीं आई ना आपको? भी नहीं आई मुझे। हाँ, इसमें उतनी नहीं आई। नहीं आई? नहीं, इसमें नहीं। आपकी लॉलीपॉप हम तीनों ने ट्राई करी, तीनों को टेस्ट नहीं आया, मिठास नहीं है लॉलीपॉप में। सो शुगर जब रिप्लेस करते हैं तो हम लॉलीपॉप्स में आइसोमाल्ट ऑलिगोसैक्राइड यूज करते हैं। समझ गया, बट लॉलीपॉप खाते किस लिए बच्चे, उसका एग्जांपल? इट्स एक्चुअली आल्सो द फीलिंग ऑफ हैविंग द लॉलीपॉप। ओके, मे बी 50% फीलिंग, आई थिंक 50% टेस्ट। यस, अब 50% जो लोग हैं वो तो खाएंगे नहीं, क्योंकि आप जो फील के लिए दे रहे हो फिर, क्योंकि ये लॉलीपॉप लॉलीपॉप नहीं है। लॉट ऑफ किड्स जिन्होंने लॉलीपॉप्स ट्राई ही नहीं किया है, उनके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि दे हैव नेवर टेस्टेड ब्लड। ये तो टेस्टी नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ लॉलीपॉप आपके जिन बच्चों को आप खिला रहे हैं उनको टेस्टी लग रहे है। या वी हैव नॉट हैड एनी बैड फीडबैक ऑन द टेस्ट ऑफ द लॉलीपॉप। दिस इज ओके, थैंक यू सर।
अगर बच्चे कैंडी खाना चाहते हैं तो वो एक पे तो स्टॉप ही नहीं करते, और बिकॉज इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर नहीं है, हर कोई इंग्रेडिएंट जो यूज कर रहे हैं वो 100% नेचुरल है, मदर्स फील अ लिटिल मोर रिलीव. अगर ये पूरा पैकेट खा लिया हाँ. तो इवन दो इसमें एडेड शुगर नहीं है, सब्स्टिट्यूट है हाँ. वो शुगर रश इज नॉट गुड फॉर द किड्स राइट. बट नहीं होता है शुगर रश. जैसा शुगर है, शुगर हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है. It either translates into fat or energy depending on what your body requires. हम जो use करें चिकरी root extract और फॉस, वो prebiotic की तरह work करता है. तो it actually very little does it get absorbed by your body और वो आपके system से पूरा निकल जाता है. ये कितना खा सकता है बच्चा दिन में? पूरा पैकेट मतलब कितने gummies हो? About 12 to 15 है. 15 के हिसाब से देखते हैं तो you're saying about 40 to 50 grams of carbs. आप जो आर्गुमेंट कर रहे थे ना पहले कि इट डज नॉट कॉज अ स्पाइक एज मच एज शुगर, दैट्स नॉट ट्रू. शुगर का सिंपल फंडा है, देयर इज सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स. यस, दीज आर सिंपल कार्ब्स, देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट. अगर आप 30-40 ग्राम कंज्यूम करेंगे आपका स्पाइक होना ही होगा. आप बोल रहे थे फीडबैक अच्छा मिला है, किस एज ग्रुप के आपके सबसे अधिक कस्टमर्स? 2 to 6. और हमारे पीनट बटर कप्स एक्चुअली पेरेंट्स और एडल्ट्स के लिए भी है क्योंकि वो प्रोटीन और फाइबर में हाई है. आपका सबसे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वही है पीनट बटर लॉलीपॉप्स, एंड देन फॉलोड बाय गमीज, एंड देन फॉलोड बाय पीनट बटर कप. व्हाट इज द सेल्स इफ वी कैन जस्ट? लॉलीपॉप्स का अबाउट, वी लॉन्च्ड इट इन अगस्त ऑफ दिस ईयर 2023, और 3 महीने में हमने अबाउट 5000 पाउचेस ऑलरेडी कर चुके हैं सेल्स इस पे. इसका अगर पर यूनिट निकालो तो ये 15 रुपए का पड़ता है. यस, दिस इज इनसेन. मतलब यू आर सेइंग 10x ऑफ अ रेगुलर कैंडी राइट. आपने बोला शुरू में 20,000 करोड़ का मार्केट है, पर आप तो 50 करोड़ के मार्केट में खेल रहे हो. तो हमारा प्राइसिंग ये कम हो सकता है, हम अभी के लिए बहुत छोटे बैचेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं. पर फिर भी 10x, मतलब अगर आप कंज्यूमर को बोलो 20% 30% अपग्रेड करो फ्रॉम द लेस हेल्दी, ठीक है, 10x इट्स अ लॉट. मतलब आपने सोचा भी कैसे इतना MRP डालने का? और क्यों है? गमीज एज अ प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है बनाना. ये कितने की लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप जो मिलते हैं मार्केट में 5 to 8 rupees का मिलता है. हमारा पर लॉलीपॉप का कॉस्ट अराउंड 13 rupees आता है. तो नहीं, साइज 2x नहीं, 2x नहीं, ये बॉस, ये 5x. वो लॉलीपॉप का साइज देखिए और ये लॉलीपॉप का साइज देखिए सर. वो गोल होता है, फुटबॉल शेप में होता है, और ये हमने फ्लैट किया. ये मैंगो बाइट का साइज है ना? आपकी मैंगो बाइट तो 1 rupee की आती है. करेक्ट, बट हम मैंगो बाइट नहीं बेच सकते उस प्राइस रेंज में, नहीं बेच सकते. नहीं बेच सकते इज फाइन, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि मार्केट का जो एवरेज प्राइस और आपका प्राइस कितना टाइम्स महंगा है. वो 2 times महंगा है, 5 times है, 10 times है. अभी 5 to 10 times है. 5 to 10 times के रेंज में समझ पाए. 5 times तो है. Which is fine, मतलब yeah. आपने रिसर्च करी थी, 5 times बिक जाता है मार्केट में? हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और लोग बाय कर रहे हैं तो बिक रहा है. जो इंटरनेशनल ब्रांड्स इंपोर्ट होते हैं जैसे कि जॉली रैंचर्स या हरीबू गमी बेयर्स या इवन रीसेस के चॉकलेट पीनट बटर कप्स, वो हमारे प्रोडक्ट से वे हायर है और वो इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में. देखिए, इंडिया में काफी मार्केट्स हैं. जो मार्केट की आप बात कर रहे हो ना, आप हरीबो का एग्जांपल लेती हैं, आम जनता से आप पूछो हरीबो बोलेंगे यार क्या गाली दे रहे हो, मतलब दे डोंट नो, यू अंडरस्टैंड. तो एक सेगमेंट है जो कोई भी प्राइस दे देगा, दैट सेगमेंट वी एक्सेप्ट, आप कुछ भी बेच दो, बट वो बहुत छोटा सेगमेंट है. I think that's the point people are trying to make. आप एक प्रीमियम इंपोर्टेड सब्स्टिट्यूट ब्रांड शुरू करके उसको मास ब्रांड नहीं बना सकते. No, it's impossible. Sure, we agree. एक बार आप सारे नंबर्स बताओगे, कितना का सेल्स हुआ है, क्या ये सारे डिटेल्स? हम लोग ने लास्ट ईयर 22-23 में ग्रॉस 16 लाख पे क्लोज किया था. तो आपने निबलर शुरू कब किया? अप्रैल 2022. तो वो फर्स्ट ईयर था या? और उसमें हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट था जो था गमीज. तो देन इन जून 2023 हम लोगों ने पीनट बटर कप्स लॉन्च किया, और फिर अगस्त में हम लोग ने लॉलीपॉप्स लॉन्च किया. पिछले 6 महीने में कितना सेल्स हो चुका है? तो लास्ट 6 months में हमने ऑलरेडी 18.8 लाख कर दिया है. और लास्ट मंथ 5.5 लाख. और इसमें व्हाट परसेंटेज वाज गमीज? 5 लाख में से गमीज वाज अबाउट 1 लाख. तो देयर इज अ प्रॉब्लम. लास्ट ईयर आप सिर्फ गमीज बेच रही हैं. आप 1.25 लाख रुपए महीने का गमीज बेच रही हैं. इस साल आप अभी भी आप एक्चुअली फ्लैट नहीं, थोड़ी डाउनवर्ड चली गई गमीज, और आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट पहला वाला चला ही नहीं. बिकॉज गमीज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो आप गमीज बंद कर दोगे eventually? नहीं, गमीज रहेगी, बट हम गमीज को एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट का बहुत सारा इंक्वायरी आ चुका है हमारे लिए.
आई थिंक इट विल बी फेयर टू से कि अभी यू आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट इन माई व्यू प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि प्रोडक्ट लॉन्च करें, एक्सपैंड करें, बट वेन यू फाइंड अ हीरो प्रोडक्ट then start focusing on one product. Sure. So, आज मैं बाहर हूँ, but keep going and sure. It was great meeting you. Thank you, Piyush. Thank you. मैं भी अभी out होना चाहूँगा. Out होने का reason यही रहेगा, too early है. Sure. Over time हो सकता है आप लोग कुछ एक अच्छा product इसमें खोज लें, क्योंकि ये demand आएगी इस चीज़ की. Healthier option पे world ही move कर रहा है. Yes. तो वहाँ पे option होगा, but आज too early है to take a decision. Sure. कितना बर्न करते हो आप मंथ में? मंथ ऑन मंथ बर्न इज अबाउट 2.5 लाख. दैट इज 50%. इट्स कंप्लीटली बूटस्ट्रैप सेविंग से कर रहे हो. यू आर पेइंग 2.5 लाख फ्रॉम योर पॉकेट. यस, एंड फ्रॉम द सेल्स दैट वी आर डूइंग. क्रेडिबल यार. नो, फ्रॉम द सेल्स तो बर्न नहीं होगा ना. सेल्स से कैसे बर्न नहीं होगा ना? No, so are not like that. So the burn is actually lesser. No, it's about 50,000. पहले आप EBITDA बता दो. We are a negative EBITDA of 20%. Minus 20%. तो मतलब 5 लाख पे 1 लाख आप minus burn करते हो on profitability. Yeah. And then दूसरा 1.5 लाख is working capital. Yes. कितना होता है working capital आपका? तो about 15% working capital है. मतलब? 15%. मतलब हम जो office space warehousing. नहीं उसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते. वर्किंग कैपिटल होता है जो आपका पैसा इन्वेंट्री में रिसीवेबल्स जो आपके स्टोर से आने हैं उसमें अटका होता है. तो रिसीवेबल्स में हमारे अबाउट 3.5 लाख रहते हैं. एंड इफ आई लुक एट इन्वेंट्री वी हैव अबाउट 1.5 crore इन्वेंट्री. यस. नो आप नहीं गलत नंबर कर रहे हैं. हो ही नहीं सकता है. फिर से सोचो 1 crore की इन्वेंट्री ऑन MRP. ऑन MRP ऐसा नहीं हो सकता है ना. आप क्यों 1.5 साल का स्टॉक बना के रखोगे? तीनों प्रोडक्ट का मिला के. इट्स नॉट वन प्रोडक्ट. हाँ, बट 5 लाख की महीने की सेल है ना. मैंने हो नहीं सकता. देखो आप इसकी तो एक्सपायरी है जुलाई 24 में. हाँ, नहीं होगा इतना. तो आप फिर से सोचो 1 crore की इन्वेंट्री अगर आपको बनानी थी, आपका 70% ग्रॉस मार्जिन है, तो आपने उसके लिए 30-40 लाख का एडवांस दिया होता अपने मैन्युफैक्चरर को. इतना दिया है आपने? नहीं. हाँ, तो आप गलत नंबर बोल रहे हो. चलिए ठीक है, the numbers are not that strong. अगर छोड़ देते उसको. Vinita, you have a decision. You need a chartered accountant, a good one to help. Sure. You. Yes. नहीं तो you'll be in trouble. Yeah. आप घर कैसे चलाते हो और आपके पैसे किसने लगाए हैं? तो हमने एक छोटा सा FNF किया था, friends and family का, 60 lakhs का किया था. No valuation or floor or cap. Convertible. Yes, convertible loan था. और हमने each 20 lakhs डाला हुआ है business में. Besides 60 lakhs. Besides 60 lakhs. अच्छा, तो this is the 1 crore जिसकी आप बात कर रहे हैं. Yes. तो हम अगर लास्ट 3 months में देखेंगे, हम CM1 CM2 पॉजिटिव हैं. आप अपनी लास्ट ईयर की नेट रेवेन्यू टू पैट वाली पूरी नंबर्स बताइए. ROC में जो फाइल किया हुआ है, नेट रेवेन्यू जो है 13.5 lakhs है. उसके बाद हमने उसमें एडवर्टाइजिंग में अबाउट स्पेंड जो किए हैं वो हमने अबाउट 15 लाख स्पेंड किए हैं. अरे 15 लाख ऑन 13.5 लाख का रेवेन्यू. छोड़ दे यार, नंबर्स नहीं पता उनको यार. क्यों बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? मतलब ओके सॉरी. ओके संध्या, अश्विनी, आई स्टिल डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद योर लॉसेस. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द फैक्ट दैट यू डोंट हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट. माय प्रॉब्लम इज कि आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन बिजनेस बहुत कच्ची है. नो, सॉरी, आई एम आउट. एंड यू नो आई रियली होप दैट दिस वन थिंग यू कैन फिक्स एंड देन रेज मनी. 3 शॉक आउट है. ऑलराइट. देखिए, आई थिंक यू हैव अ गुड एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, बट आपकी कम्युनिकेशन में भी मुझे लैकिंग लगा. Okay. आप लोग काफी क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे थे. यू आर गुड सेल्स पीपल, उसके ज्यादा आप में डेप्थ नहीं है बिजनेस. सेकेंड इशू, योर कैटेगरी. आप 20,000 crore बोल रहे हैं, ये बोल रहे कैटेगरी अच्छी है. आपकी 50, 100, 200 crore की भी कैटेगरी नहीं है. Yeah. जो प्राइस पॉइंट्स पे आप खेल रहे हो, मुझे लगता है इंडिया और भारत में बहुत फर्क है. आप जो इंडिया के लिए बना रही हो, वेरी स्मॉल, वेरी नीच, प्रॉब्ली नॉट गोना मेक मनी. भारत की अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं है. एंड आई थिंक दोज आर द इश्यूज एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट. थैंक यू. देखो, मुझे जैसे मैंने पहले कहा, कैटेगरी पसंद है, एंटरप्रेन्योर्स पसंद है. कैटेगरी एक्सपेंशन आपको करनी पड़ेगी. आपको फाइनेंस का कुछ आइडिया नहीं है? हम लोग को लगता है कि हम लोग डेफिनेटली ये कर पाएंगे अमन. अगर 6 महीने में पैसे नहीं आए तो क्या करोगे?
नहीं वो हमारे हम लोग इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं अभी, सॉफ्ट कमिटमेंट्स थोड़े हैं। कहाँ से है कोई इन्वेस्टर्स? इंस्टीट्यूशनल नहीं है, एंजल्स है, कोई सेलिब्रिटीज भी थे। अब आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ, पर अगर आपके इन्वेस्टर नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगा। ओके। मैं आपको देता हूँ 10 लाख रुपीज इक्विटी फॉर 5% एंड बैलेंस 40 लाख डेट। ओके। एट 10% फॉर 2 इयर्स। डेट चुकाएंगे कैसे बेचारे? चेक Take the check. Just take the check, whatever he offered. Let's hold it. सब बातें सही हैं। What did he say? Let's take the check, whatever he's giving. Let's take the check, whatever he's offering. Why? Because we genuinely want you to. वो और confusion नहीं करते। चलो lollipop बेचेंगे। Thank you so much. वो entrepreneur अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कमी है, और वो कमी अगर मैं पूरी कर सकता हूँ थोड़ी गाइड करके, तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। आई थिंक इट वॉज अ कम्प्लीटली इलॉजिकल ऑफर। हम शार्क्स की जिम्मेदारी है दैट वी पुट मनी इन द राइट फाउंडर्स, नहीं तो भाई सपोर्ट करने के लिए तो लाखों फाउंडर्स है, लाखों स्टार्टअप्स हैं, आप सभी में पैसा डाल दो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शार्क्स ये नहीं है कि हम खाली अपने पैसे बनाएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शार्क्स ये भी है कि जहाँ जिसको जरूरत है वहाँ दें। इफ आई कैन गिव देम लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड हेल्प देम, I'm very happy.